गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अपना जो कुछ टॉपिक रह गए थे चैप्टर थर्ड से पॉलिटिकल पार्टीज़ के विषय में जो हमने देखा था। इसके पहले हमने देखा था वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम देखा था और किन किन कंट्रियों में ये पाई जाती हैं, इन सब के विषय में हमने स्टडी की थी। आज हम देखते हैं नेशनल पार्टियाँ बनती कैसे, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या फिर कौन कौन सी पार्टियाँ होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल पार्टी के विषय में। अगर कोई पार्टी 6% वोट्स ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन ऑफ द 4 सीट्स, अगर कोई लोकसभा में जितने वोट जो उसमें पड़ते हैं उनका अगर कोई पार्टी 6% वोट पा जाती है तो वो क्या नेशनल पार्टी कहलाती है, या तो वो 4 सीट जीत लेती है अगर उस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, तो वो क्या मानी जाएगी, नेशनल पार्टी उसको मान लिया जाता है। और उसकी पहचान क्या होती है, उसका एक अपना ऑफिस होता है और परमानेंट उसका क्या होता है, एक सिंबल होता है जिससे रिकग्नाइज होती है कि हाँ ये नेशनल पार्टी है। स्टेट पार्टी अब कैसे बनती हैं, 6% ऑफ द टोटल वोट, 6% इनको भी यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी इनको 6% क्या चाहिए होता है, वोट चाहिए होते हैं और एटलीस्ट 2 सीट्स चाहिए होती हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो इनको क्या हो जाती है, वो स्टेट पॉलिसी बन जाती हैं। चैलेंज फेस बाई पॉलिटिकल पार्टीज़, कौन कौन से चैलेंज फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पावर्स लाइज विद फ्यू लीडर्स, होता क्या है कि जो डेमोक्रेसी पावर होता है वो कुछ कुछ लीडर्स के हाथ में ही होता है। अब पार्टियों में इतने प्रोमिनेंट लीडर ही नहीं होते हैं, ना तो वो बनाए जाते हैं ना तो होते हैं इस तरह कि वो अपने आप में प्रभुत्व जमा सके, तो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं होते उस तरह। दूसरा क्या होता है, जो टॉप पोजीशन जो पार्टीज होती हैं वो कंट्रोल बाई वन फैमिली, वो सिर्फ एक परिवार, अब क्या हो गई परिवार की राजनीति रह गई है। जैसे आपने चाहे जिसकी बात करें, जैसे सपा गवर्नमेंट को देखें तो क्या है, बेटे यानी कि जो पहले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, अब कौन हो गए, अखिलेश यादव, यानी कि एक जो फैमिली की ही राजनीति चली आ रही है, जो लीडर लगे रहते हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर्स, यानी क्या करते हैं, अब वो जान बूझ करके जानते हो जीतना उन्हें की हो तो पब्लिक को क्या करते हैं, कोई चॉइस ही नहीं देते कि वो क्या करें, कुछ ऐसा हम करेंगे तो पब्लिक उनको वोट दें, वो जानते हैं कि हमें आना ही आना है तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। गवर्नमेंट क्या कौन से कदम ऐसे उठाए कि इनको सुधारा जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले एक रेजुलेशन पास करना चाहिए कि जितने भी यानी कि इनमें क्रिमिनल केस हो वो क्या कर सके, कोई वोट चुनाव ही न लड़ सके। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए, और बहुत सी पॉलिसियां गवर्नमेंट करती क्या है, जो चुनाव में रूल बना दिया जाता है कितनी पार्टियाँ ही रूल यानी कि रुपये खर्च कर पाएंगी, इतने ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगी, लेकिन होता क्या है इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, उस समय स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए ही चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के रूल देखने चाहिए इलेक्शन कमीशनर को, अगर कोई वायलेशन करता है रूल्स रेगुलेशन का उस समय तो उनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए उससे। ये सब सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमिश्नर को ये सब चीज़ें फॉर्मेशन करनी पड़ेंगी, कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव ना लड़ पाए कि जो क्या हो क्रिमिनल हो, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनिस्ट को इसमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता, ये आज हमारे देश की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इनको सुधारा जा सकता है। देखेंगे 4th लेसन हमारा।